पॉन्स और निविया ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स हमारे देश में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश। क्योंकि दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में कंपटीशन होना तय है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए उसकी तुलना दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ करने लगती है। पॉन्स ने भी निविया के साथ ऐसा ही किया, लेकिन यहाँ पॉन्स ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से निविया ने पॉन्स पर केस कर दिया और इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने निविया के पक्ष में फैसला सुनाया। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉन्स प्रोडक्ट्स की तुलना निविया के प्रोडक्ट से करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली और गुरुग्राम के कई सारे मॉल्स में निविया के साथ अपने प्रोडक्ट की तुलना करके पॉन्स अपनी क्रीम को बेच रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉन्स बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से कहा है कि मार्केटिंग और विज्ञापन करने का ये तरीका दूसरे पक्ष के प्रोडक्ट का बिजनेस का अपमान करने के बराबर है। लाइव लॉग रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, निविया उत्पादों की तुलना करने वाली विवादित गतिविधि प्रथम दृष्टया भ्रामक है और अपमानजनक है। दरअसल निविया प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बीएसडाफ एजी ने 2021 में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया था। बीएसडाफ एजी ने दावा किया कि उन्होंने निविया क्रीम के लिए खास नीले रंग की डिब्बी बनाई है और फिलहाल पॉन्स ऐसी ही एक नीले रंग की डिब्बी को दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। बीएसडाफ एजी ने कोर्ट में बताया कि 2021 के आसपास कंपनी को पॉन्स की इस हरकत के बारे में पता चला। जानकारी मिली कि दिल्ली और गुरुग्राम के कई सारे मॉल्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रतिनिधि निविया क्रीम की जैसी ही दिखने वाली एक नीले रंग की डिब्बी और पॉन्स सुपरलाइट जेल की तुलना कर रहे हैं। इसके लिए नीले रंग की डिब्बी पर कोई भी स्टिकर या कंपनी का नाम नहीं लगाया गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कर्मचारी कस्टमर के एक हाथ पर नीले रंग की डिब्बी से निकालकर क्रीम लगाते थे और दूसरे हाथ पर पॉन्स सुपर लाइट जेल लगाते थे। इसके बाद एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए दोनों की तुलना करते थे। ग्राहकों से कहा जाता कि पॉन्स सुपर लाइट जो जेल है उसकी तुलना में ब्लू टब वाली जो क्रीम है वो त्वचा पर ज्यादा ऑयल छोड़ती है और इसी वजह से उनका प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है। इस पर पॉन्स ने अपने बचाव में कोर्ट में कहा कि वो उस नीले डिब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर निविया की कोई भी ब्रांडिंग नहीं थी, यानी नीले डिब्बे पर निविया का कोई भी स्टिकर नहीं लगा था। यही नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने यह भी तर्क दिया कि निविया का नीले रंग की डिब्बी पर कोई भी एकाधिकार नहीं है, मोनोपोली नहीं है और उन्होंने तथ्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, गलत तरीके से पेश नहीं किया है। पॉन्स बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने दावा किया कि पॉन्स की क्रीम ब्लू टब वाली क्रीम की तुलना में कम चिपचिपी थी, लेकिन निविया के पास पॉन्स की इस दलील का भी जवाब था। निविया ने जवाब दिया कि पॉन्स ने दो अलग अलग कैटेगरी की क्रीमों के बीच में तुलना की है जो कि बिल्कुल गलत है। निविया ने जोर देकर कहा कि पॉन्स उनकी एक ऐसी हैवी कैटेगरी की क्रीम जिसमें 25% फैट है उसकी तुलना पॉन्स के उस प्रोडक्ट से कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% फैट है। इसके साथ ही निविया ने अपना एक और प्रोडक्ट कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि पॉन्स के सुपर लाइट जेल में 10% फैट है, वहीं निविया के मैन फ्रेश जेल में 1.35% फैट है और दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में अगर तुलना की जाए तो ठीक रहेगा। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने निविया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि पॉन्स जिस खास नीले रंग की डिब्बी का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कर रहा है वो लोगों के मन में निविया क्रीम के प्रति गलत धारणा बना रहा है जिस वजह से निविया को नुकसान हो रहा है। इसलिए पॉन्स अपने विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए उस नीली डिब्बी का रंग बदल दे, किसी और रंग की डिब्बी का इस्तेमाल करें। खैर, इस खबर में इतना ही, और तमाम मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए वी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।